माया लोभ, ये चार कषाय हैं। ये चारों जब उदय में आते हैं ना, क्रोध नंबर एक, क्रोध नंबर दो मान, नंबर तीन माया, नंबर चार लोभ है। तो क्रोध मान माया लोभ, ये जो चार कषाय हैं, ये चारों कषाय यानी जो हमें कस ले, हमें अपने प्रभाव में ले ले, हम उसके चंगुल में फंस गए, हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो जैसे चिड़ी छोटी सी होती है, पर चिड़िया की चोंच में अगर कोई मच्छर आके फंस जाए तो उसमें से निकल नहीं पाती, ऐसे अपन लोग भी फिर निकल नहीं पाते हैं। तो कषायों के उदय से जो हमारे भीतर प्रवृत्तियां जगती हैं, शुभ या अशुभ, हमारी आत्मा में भी वैसे ही फिर परिणाम आने लग जाता है। तो आत्मा की शुद्धि के लिए लेश्या की शुद्धि जरूरी है, और लेश्या की शुद्धि के लिए कषाय मंद होने जरूरी है, और कषायों की मंदता इसके लिए होश और बोध के दीपक को थामना जरूरी है। तो ये एक से एक कनेक्टेड पुलिया हो गया। तो जिनको चाहिए मुक्ति, वे आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयत्नशील हो, और जो आत्मा की शुद्धि चाहते हैं उनको अपने लेशाओं की शुद्धि करनी पड़ेगी, और लेशाओं की शुद्धि अगर करनी है तो क्या करेंगे, होश और हमें अपने कषायों को मंद करना पड़ेगा। लेशाओं की शुद्धि के लिए कषायों को मंद करना पड़ेगा कि हर समय छोटी सी बात के लिए गुस्सा आ गया, किसी ने तारीफ कर दी और अहंकार के भाव पैदा हो गए, थोड़ी सी भी अच्छी चीज देखी और मोह माया जग गई। तो ये जो हमारे भीतर झट से जो निमित्त पाते ही उदय में आ जाते हैं, हमें फिर कषायों की मंदता के लिए होश और बोध के दीपक को थामना होगा और सोचना होगा, अरे जीवड़ा कल भी गुस्सा किया, क्या मिला रे तुझे, कुछ नहीं मिला, फालतू तुझे टेंशन हुआ, आज फिर गुस्सा करा, फालतू हुआ का वही। तो होश अगर होगा तो बोध आगे बढ़ता रहेगा, और ज्यो ज्यो बोध हमारा गहरा होगा त्यों त्यों कषाय कम होंगे। छोड़ो ना रे यार, जो हो गया सो हो गया, क्यों माथा बोड़ी करते हो। अपने आप हमारा मन हमें प्रेरणा देगा, अपने आप हमारा अंतर्मन हमसे कहेगा, छोड़ो ना यार, क्यों माथा दड़ाते हो, कब तक माथा दड़ाते रहोगे, क्यों कर रहे हो, क्या मिलने वाला है। तो हमारा अंतर्मन हमें वापस अच्छी सलाह भी देता है, हमारी अंतरात्मा हमें अच्छा परामर्श भी देती है और कहती है, होने दो, हो रहा है तो हो रहा है, दुनिया को सुधारने का ठेका तूने ले रखा है क्या भाई, ये तो है, माँ बाप है तो है, अच्छा रास्ता ये है, चलना है चलो, नहीं चलना है तो मत चलो। अगर किसी को सलाह भी दो, मुझे इस एक बात से बड़ा सुकून है, और वो ये कि मेरे घर वाले मेरा बहुत मान रखते हैं, मेरे भाई लोग, मेरे पिता भी मेरा बहुत मान रखते थे, इतना मान रखते थे कि मुझसे पूछे बगैर वो लोग कोई भी काम नहीं करते थे। मतलब मेरे पिता की ये बहुत बड़ी विशेषता थी, उनका बहुत बड़ा बड़प्पन था ये, कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते तो अपने प्रत्येक इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए अपने चंद्रप्रभ से जरूर पूछते वो, कि बेटा ये करना है, तुम क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। ये उनका बड़प्पन है, मुझे मान दिया उन्होंने। बाकी पिता को अपने पुत्र से पूछने की कहां जरूरत है, पिता बड़ा ज्ञानी होता है अपने पुत्र से, पुत्र कितना भी ज्ञानी हो लेकिन बाप तो बेटे से ज्यादा ही ज्ञानी कहलाएगा। लेकिन ये मेरे पिता का बड़प्पन था कि वो मुझसे पूछते थे। मेरे भाई हैं, उनका भी ये बड़प्पन है कि वो कोई भी काम करते हैं मुझसे कहकर, मुझसे पूछकर फिर ही करते हैं। कोई भी छोटे छोटा काम होगा वो मेरे कान में जरूर डालेंगे, मुझसे पूछेंगे ये ऐसा करना है, क्या कर लूं या नहीं करूं। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, मेरी शांति का जो राज है, या मुझे ये लोग जो मान सम्मान देते हैं उसका भी जो राज है, वो यही है कि जब मुझसे सलाह मांगी जाती है, मार्गदर्शन मांगा जाता है, मैं देता जरूर हूं, बिना पूछे बोलता नहीं, पूछने पर बताता हूं, पर बताने के बाद ये अपेक्षा नहीं रखता कि जो मैंने कहा है वो किया ही जाए। जो बताया है अगर हम अपेक्षा रखेंगे तब तो उसमें घाटे का सौदा हो जाएगा कि मैंने कहा और आप मानते तो है नहीं, और जब मानते नहीं तो पूछते क्यों है। ये अपेक्षा रखने से मन में तनाव पैदा होता है, ये अपेक्षा रखने से दिमाग बोझिल बन जाता है, क्रोध पैदा होता है, उत्तेजना जन्मने लगती है, आवेग आने लगता है,
कि बेटे आ जाते हैं, पूछते मुझसे हैं और करते अपने मन की हैं। जैसा कि लोग कहते हैं ना, करना तो तुम्हें अपने मन की, फिर मुझसे क्यों पूछता आकर के। तो जब भी किसी को सलाह दो तो पहली बात, या तो किसी को सलाह दो मत, और अगर देते हो तो ध्यान रखो अपेक्षा मत रखो कि मेरी बात मानी जाए। उन्होंने तुम्हें अपने से ज्यादा ज्ञानी समझा तो तुमसे पूछा, तुमने उन्हें बताया, और बताने के बाद भी अगर उनका अंतर्मन उसको मानने के लिए गवाही नहीं देता तो क्यों करे। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि वो किया ही जाए। उनको अपने हिसाब से भी तो जीने दो भाई। अगर जैसे मान लिया आपने आकर के मुझसे पूछा, मैंने बता दिया ऐसा करो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ठीक है, अगर मैं अपेक्षा रखूंगा तब तो ये मेरी दादागिरी हो गई। अपेक्षा रखना दूसरे को अपना गुलाम बनाना है, ठीक है ऐसा कर लो, नहीं करना है मस्त रहो, ठीक है तुमने थोड़ी दे रखा है, अगले के हिसाब से जीने दो। हाँ, उसकी गाड़ी अटक रही हुई तो उसने तुमसे पूछा, और जैसे तुमसे पूछा उसको अचानक एक फिर उसमें किरण मिल गई, उसने उस किरण को पकड़ा और वो आगे निकल पड़ा। अपेक्षा रखने से खतरा होता है। होश और बोध पूर्वक जीवन जियो, ये मुक्ति मार्ग का पहला और अंतिम सोपान है। तो श्री भगवान चाहे राग द्वेष के अनुबंधों से मुक्त होना हो, शुभ अशुभ लेशाओं से मुक्त होना हो, शुभ अशुभ प्रवृत्तियों से मुक्त होना हो, तो केवल अपन कहने और सुन लेने भर से अपन लोग अपनी लेशाओं से मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि लेशिया कोई ऐसी नहीं है कि सिगरेट पी रहे थे और जच गए और आज छोड़ दिया और वो छूट गई। लेशिया कोई ऐसी पत्नी नहीं है कि अभी मन उचट गया और अपन ने कह दिया मैंने तुझे तलाक और तुम छूट गई। तो लेशिया कोई ऐसी चीज नहीं है, लेशिया तो रह रहकर उदय में आती है। जब तक हम रहेंगे तब तक वो उदय में आती रहेगी, जब तक हमारा जीवन होगा तब तक वो हमारे उदय में आती रहेगी, और जब तक वो हमारे उदय में आती रहेगी ना, जब तक वो हमारे उदय में आती रहेगी तब तक हम लोगों को लगातार 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 होश और बोध को थामे रखना होगा। आज होश रखा, बोध रखा, मगर फिर भी न चाहते हुए भी थोड़ा सा गुस्सा हो ही गए। होश रखा, बोध रखा, मगर फिर भी किसी ने तारीफ की तो अहंकार पैदा हो ही गया। करना नहीं चाहते थे पर हो ही गया। सब चीजें प्राकृतिक रूप से होती है, अपन करना कुछ नहीं चाहते मगर फिर भी होती रहती है। फिर लगता है क्रोध जब समाप्त तो होता है, उसका जब मन में पछतावा होता है, तब फिर लगता है अरे जीवड़ा क्यों बोले रे, शांत रह रे, और फिर भीतर में थोड़ी सी शांति घटित होती है। नहीं नहीं, अब मैं नहीं करूंगा, है थोड़ा ध्यान रखूंगा, थोड़ा और जागरूकता रखूंगा, कि तीन चार दिन के बाद अचानक फिर कोई एक ऐसा निमित्त बनता है और फिर अपन क्रोध कर जाते हैं। फिर लगता है अरे जीवड़ा तूने पिछली बार भी सोचा, इस बार फिर कर डाला, नहीं नहीं तुझे और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो पहले होश की एक चिंगारी पैदा हुई थी, अब होश की दो चिंगारियां पैदा हुई। यूं करते 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 वो चिंगारी एक दिन बाती को ज्योतिर्मय करने का आधार बन जाएगी, और उस बाती की ज्योति से फिर हम धीरे धीरे समझने लगेंगे कि क्रोध करना व्यर्थ है, क्रोध करना औचित्यहीन है, क्रोध करना हमेशा नरक गति का आधार है, क्रोध करने से हमारा मन अशांत होता है, हमारा दिमाग अशांत होता है, उत्तेजनाएं पैदा होती हैं, और इस तरह से धीरे 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 वो जो होश जगा, उस होश ने हमें बोध दे डाला, और तब हमने मक्कमता पूर्वक ये निश्चय कर लिया नहीं अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, अब मैं उग्र उत्तेजनाएं नहीं करूंगा, मैं उग्र प्रतिक्रियाएं नहीं करूंगा, अगर मुझे झेलना पड़ा तो झेल लूंगा, नुकसान होगा तो होगा, मैं शांत रहने का प्रयत्न करूंगा। और ये शांत रहने का संकल्प लेते हैं, बार बार लेते हैं, फिर अचानक कोई ऐसा निमित्त आ जाता है और अशांत हो जाते हैं, फिर वापस होश जगता है, फिर वापस बोध प्रगाढ़ होता है, और यूं करते करते होश और बोध
वहां तक धीरे धीरे प्रवेश करने लगते हैं जहां तक हमारी लेशाएं, उनका जो जन्म स्थान है भीतर में, वो धीरे धीरे हमारा होश और बोध वहां तक जाने लगता है। तो जहां से हमारे भीतर से लेशाएं आती हैं, मानसिक प्रेरणाएं जगकर आती हैं, अभी तो होश और बोध बाहर बाहर है, थुल थुल है, स्थूल है, धीरे 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 चिंतन के द्वारा, लगने वाली ठोकरों के द्वारा, बोध के द्वारा, होश के द्वारा, यूं करते करते वो ठेठ भीतर तक, वो होश और बोध गहराई तक जाने लगता है, जाने लगता है, जाने लगता है। जैसे कोई आदमी ट्यूबवेल खोदता है ना, हैंडपंप खोदता है, तो कोई एक ही दिन में सीधा जाकर के वो छेद एक ही प्रेशर में नीचे तक नहीं पहुंच जाता, धीरे धीरे ठक 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 हैंडपंप और ट्यूबवेल की खुदाई में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और यूं करते करते कीचड़ निकलता रहता है, पानी निकलता रहता है, और यूं करते 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 एक दिन ठेठ शुद्ध निर्मल पानी तक इंसान पहुंच जाता है। वो जो शुद्ध पानी तक पहुंचना हुआ, ये है इंसान के लिए मुक्ति के दरवाजे का खोलना। प्रयत्न अपन सभी लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जितनी क्षमता थी, जिसका जितना होश और बोध जगता चला गया है, ध्यान सदता चला गया है, आदमी अपने आप को प्रिय होता चला गया है, आत्म प्रिय होता चला गया है, त्यों त्यों हमारे कषाय मंद 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 हुए हैं, और मंद होने अभी बाकी हैं। अपन लोग और मंद करेंगे, अपनी लेशाओं को निर्मल करेंगे, शुभ भाव भाएंगे, शुद्ध भाव भाएंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, परमात्म तत्व का चिंतन करेंगे, महापुरुषों के चरित्र का श्रवण पठन चिंतन मनन करेंगे, निर्मल से निर्मल कार्य करने का प्रयत्न करेंगे, शुभ भाव धाराओं में बहेंगे, शुभ कार्य करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, विनम्र रहेंगे, प्रमोद भाव से भरे हुए रहेंगे, मध्यस्थ भाव में स्थित रहेंगे, तो कुल मिलाकर के अपन ज्यों ज्यों समदर्शी होते चले जाएंगे, विवेक का दीप हमारे भीतर जलता चला जाएगा, हम लोग अंतर्मन से प्रसन्न होते चले जाएंगे, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव मैत्री भाव उमड़ता चला जाएगा, अपने आप धीरे 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 जैसे कि जैसे किसी भी तूंबे पर अगर घास लपेट दी जाए, मिट्टी लपेट दी जाए, तो मिट्टी और घास के वजन के कारण तूंबा पानी में डूबता जाएगा, पर ज्यो ज्यो घास और मिट्टी के लपेटे उस पर से हटते चले जाएंगे, त्यों 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 वो ऊपर आती चली जाएगी। पनडुब्बी पानी में रहती है, पर ज्यो ज्यो वो ऊपर आना चाहती है, तो ज्यो ज्यो वापस उसमें भरा हुआ भीतर का पानी वानी जो उसका भार होता है, जिसके कारण पानी में जाती है पनडुब्बी, वो वहां तक पहुंचती है और धीरे 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 वो ऊपर आ जाया करती है। ऐसे ही हमारा जीव, हमारी आत्मा, हमारी अंतश्चेतना, हमारा अपना व्यक्तित्व भी यूं धीरे 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 ऊपर आता चला जाता है। श्री प्रभु हमें मुक्त देखना चाहते हैं, वे हमारे मुक्ति के पैरोकार हैं, हमारी मुक्ति के वे पक्षधर हैं, और हमें मुक्त देखना चाहते हैं, और उसी मुक्ति का वो रास्ता बताने के लिए कहते हैं, अपने कषायों को मंद करो, लेशाओं को शुद्ध करो, और आत्मा की शुद्धि करते हुए अपनी मुक्ति की व्यवस्था करो। ऐसा श्री भगवान अपन सब लोगों को पवित्र प्रेरणा देते हुए अनुरोध करते हैं। आज इतना ही लेते हैं, नमस्कार।